हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आई एम एक्चुअली गोइंग टू स्प्रेड आउट ऑल ऑफ द फैक्ट्स बिहाइंड जो जो भी मिथ्स होते हैं विच माइट अराइज आपके दिमाग में व्हेन यू आर अ बिगिनर। यहाँ पे एक्चुअली मैंने लिस्ट बनाई है सम ऑफ द मिथ्स विच केम टू माई माइंड व्हेन आई वॉज अ बिगिनर। सो द फर्स्ट मिथ विच माइट कम टू माई माइंड व्हेन यू आर अ बिगिनर इज प्रोटीन छोड़ दिया तो फिर बॉडी उतर जाएगी क्या। सो द थिंग इज प्रोटीन इजेंट एनी मैजिकल सप्लीमेंट कि आपने प्रोटीन लिया तो फिर आपकी बॉडी बननी चालू हो जाएगी। सो द ऑपोजिट इज द कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि आपने प्रोटीन छोड़ दिया तो फिर आपकी बॉडी कम नहीं हो जाएगी। आपने वे प्रोटीन छोड़ दिया तो आपकी बॉडी कम नहीं हो जाएगी। प्रोटीन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि आप जिम जाते हो या फिर नहीं जाते हो, आपकी कोई भी एज हो तो फिर यू मस्ट हिट योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। और आपने अगर आपका अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम हो गया तो फिर ऑब्वियसली इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा नहीं है कि आपने वे प्रोटीन छोड़ दिया तो फिर आपका मसल कम हो जाएगा। आपने वे प्रोटीन छोड़ दिया पर आपने चार अंडे खा लिए विच गिव्स यू 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और आपने एक स्कूप वे उससे रिप्लेस कर दिया तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस लॉन्ग टर्म। एंड द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज पावर लिफ्टिंग यानी कि स्ट्रेंथ वर्सेज हाइपरट्रॉफी। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आप स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे यू नीड टू बी फैट, यानी क्योंकि पावर लिफ्टर्स जो होते हैं दे आर मेनली फैट, और जो भी फिजिक एथलीट्स होते हैं या फिर एस्थेटिक क्रू वो हाइपरट्रॉफी पे फोकस करते हैं। द थिंग इज व्हेन यू आर अ नेचुरल लिफ्टर द ओनली वे टू प्रोग्रेस इज स्ट्रेंथ पर फोकस करो और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर फोकस करो। दैट इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस। आप जिम में देखोगे तो फिर बहुत सारे लोग दे लुक द सेम फॉर सो मेनी ईयर्स क्योंकि उनका स्ट्रेंथ प्रोग्रेस नहीं होता। दे आर बेंचिंग या फिर स्क्वाट, दे आर बेंचिंग द सेम वेट फॉर 5 years, तो फिर ऑब्वियसली यू आर लाइक नूब गेंस। एक बार यू रन आउट ऑफ देम तो फिर यू आर गोइंग टू लुक द सेम इफ यू डोंट फोकस ऑन स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ इज अ वेरी बिग कॉम्पोनेंट इफ यू आर अ नेचुरल लिफ्टर। सो अनदर मिथ विच कम्स टू पीपल्स माइंड इज व्हेन यू आर फैट एस्पेशली इज पहले मैं पतला हो जाऊंगा उसके बाद आई विल बिल्ड मसल। आई डोंट नो ये कहाँ से आता है। दे मे बी थिंक दैट इफ यू आर स्किनी तो फिर बिल्डिंग मसल्स कम ईजीली टू यू। ऐसा कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू वर्क विद इट्स अ मैथ इक्वेशन, सरप्लस या फिर डेफिसिट, सिंपल एज दैट। बट द थिंग इज व्हेन यू आर अ कंप्लीट बिगिनर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पहले पतला होना होता है। यू हैव टू कट डाउन फर्स्ट, उसके बाद you focus on building muscle. Thing is there is something called as body recomposition and ये बहुत ही complex topic है but when you are a beginner the thing is your body does it automatically for you. The first 1 year 10 months to 1 year I would say आपको recomp पे focus भी करने की जरूरत नहीं है। When you are fat your body will utilize your carb storage your glycogen फॉर एनर्जी, तो फिर आपको रिकम्पोजिशन पे स्पेशली ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। योर बॉडी विल डू इट फॉर यू। सो व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन कटिंग डाउन, गेटिंग टू अ स्टार्वेशन मोड, कैलोरीज कट 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 करके विच इज नॉट एन एंजॉयबल प्रोसेस, एंड देन फोकस ऑन बिल्डिंग मसल। जबकि वेन यू कैन फोकस ऑन बिल्डिंग मसल and losing fat will come as a byproduct for it. So that is something which you need to understand ki pehle patla hona hai then you are going to build muscle. aisa kuch nahi, aap socho ki aapne 5-6 kgs kam kar liye, aapke genetics the same rahenge, aap apne parents change nahi kar rahe, so why not do both the things at the same time, kyunki recomposition is very very easy when you are a beginner. So the next myth is high reps versus low reps, which is also somewhat of a related topic to strength versus hypertrophy. बहुत लोगों को confusion होता है कि high reps करे या फिर low reps करे. The thing is, it doesn't matter to a certain extent as long as you are making progress. Yes, there are things ki some muscle groups are slow twitch dominant, some muscle groups are fast twitch dominant, and the thing is there is some research about can one muscle fiber change into another, but most consider this ki
जितने भी पॉपुलेशन देर आर आउटलायर्स पर जितने भी लोग हैं, यू आइदर हैव 50% स्लो ट्विच 50% फास्ट ट्विच. स्लो ट्विच इज की यू रेस्पॉन्ड बेटर टू हाई रेप ट्रेनिंग एंड फास्ट ट्विच इज यू रेस्पॉन्ड बेटर टू लो रेप ट्रेनिंग एंड हाई रेप ट्रेनिंग. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी, मायोफिब्रिलर एंड सैक्रोप्लाज्मिक. एक वन इज मैक्सिमाइज व्हेन यू फोकस ऑन हाई रेप एंड वन अदर इज मैक्सिमाइज व्हेन यू फोकस ऑन लो रेप ट्रेनिंग. सो द बेस्ट इज कि दोनों पे फोकस करो अनलेस यू आर अ जेनेटिक आउटलायर. कोई कोई लोग दे जस्ट ब्लो अप बाय डूइंग कैलिस्थेनिक्स एंड कोई कोई लोग दे जस्ट डू बेंच स्क्वाट डेडलिफ्ट 3x3 एंड दे विल ग्रो.